मैं जब भी जाकिर नायक को अच्छे से सुना हूँ ना, मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, इसने तो खुद ही इस्लाम को एक्सपोज करके रख दिया है। तो भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले जाकिर नायक की एक वीडियो आती है, उसमें एक व्यक्ति जाकिर नायक से, पाकिस्तान का व्यक्ति, पूछता है कि जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी है कि इस्लामाबाद में जो मंदिर के लिए लैंड दी जा रही सरकार द्वारा, तो क्या ये सही है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से इस्लामिक कंट्री में एक हिंदू टेम्पल बन जाए? तो आप पहले जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा। इज इट परमिसेबल और नॉट? इट इज यूनैनिमस अमंगस्ट ऑल द फोर अइम्मास, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, ऑल द फुकहा यूनैनिमसली से दैट अ मुस्लिम कैन नॉट डोनेट हिज मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस ऑफ वर्शिप ऑफ द नॉन मुस्लिम। कैन नॉट डोनेट, कैन नॉट बिल्ड, कैन नॉट सपोर्ट। सेवरल फतवास, यू सी द फतवा फ्रॉम क्लासिकल स्कॉलर्स, फ्रॉम द मेडिवल स्कॉलर्स, दैट इट इज नॉट परमिटेड फॉर अ मुस्लिम to build a church or a temple or give donation to build a church or a temple or any place of worship of the non-Muslims. Based on the verse of the Quran of Surah Maida, chapter number 5, verse number 2, we says that you have to cooperate with one another in birr wa taqwa. ye muh se supari nikal ke baat kar rahe baba, iske muh mein paidashi supari hai, ye totla hai. Taun al birr wa taqwa, that means you have to help one another for righteousness and piety. And this is a common verse which most of the Muslims know. But the verse continues and says that, but you should not cooperate, you should not help one another in sin and transgression. You cannot help anyone, whether Muslim or non-Muslim, in doing a sin. And the biggest sin in Islam is shirk. So, पहली तो सबसे बड़ी इन्होंने दिक्कत बता दी कि शिर्क सबसे बड़ा हराम होता है, मतलब कि मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा जब हराम है तो मंदिर बनने ही कैसे देना है? अब इस्लामिक कंट्री पे जो बना ही प्रिंसिपल्स पे है इस्लाम के, वहाँ पे हम किसी और को जीने दे ही कैसे सकते हैं? एंड दिस इज इस्लाम सर, ये तो टट्टी है। आपको कभी ना समझ में आया तो एग्जांपल कश्मीर का देख लीजिए, कितना आतंक मचा हुआ है। वेस्ट बंगाल का देख लीजिए कि जहाँ जैसे आप जहाँ जहाँ इनको देखेंगे कि तादाद ज़्यादा है, थोड़ी चलने लग गई है, पावर बढ़ गई है, तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि कुरान में तो काफ़ी ही हराम है, उसका तो जिंदा रहना नहीं चाहिए, वाजिबुल कत्ल है, तो आप हराम है इनके लिए, तो आपके लिए कुछ कर देना तो बहुत बड़े हराम की बात है। अब वो धीरे धीरे ये बताते हैं कि इस्लाम है क्या। आज आप समझ जाएंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से कि इस्लाम के अंदर कितनी फ्रीडम है एक दूसरे व्यक्ति जो कि इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता, जो नॉन इस्लामिक है, नॉन मुस्लिम है, उसका अपना अलग मज़हब है, उसके अपने अलग कल्चर हैं, अपने अलग रिचुअल्स हैं, उसको फॉलो अगर करना चाहता है तो उसका जीना कितना आराम है आपको पता चल जाएगा, और बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर कोई मुसलमान मुझे देख रहा तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में ये बताए कि जाकिर नायक से वो कितना एग्री करता है। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी आयतें इसने कोट की, जितने भी चीज़ें कुरान से बताई इसने या फिर किसी हदीस से बताई या कुछ भी, तो किस हद तक उसने एक्यूरेटली बताई है, और अगर उसने सही बताई है तो मुकरने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप इधर से उधर हो नहीं सकते एक इंच भी, जो कुरान में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, तो आप मानेंगे तो मानेंगे, और अगर मानेंगे तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप हिपोक्रेट हैं। एक चीज़ आपको पता होगा, जजिया का कॉन्सेप्ट, जजिया कॉन्सेप्ट पहले ये था कि जब यहाँ मुगल रूल था तो मुगलों ने जजिया टैक्स लगाया था कि कोई भी व्यक्ति अगर नॉन मुस्लिम है तो या तो मुसलमान बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, और अगर कन्वर्ट नहीं होना तो जजिया टैक्स दो, तो उससे क्या करेंगे हम तुम्हारे रिलीजियस प्लेसेस की हिफाजत क्या करेंगे, उनको छुएंगे नहीं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद 40,000 मंदिर तोड़ दिए गए। What? What the fuck? तो ये समझ में आता कि ये कितने ईमान के पक्के हैं, पहली चीज, जबकि वो क्वालिटी के मुसलमान आए थे, अरब से आए थे। तो बाकी जो थर्ड ग्रेड के हैं उनकी तो आप छोड़ ही दीजिए, जो इंडिया और पाकिस्तान वाले हैं। तीसरी चीज़ है कि इसमें भी, इस वीडियो में भी जाकिर नायक के, आप मुझे कॉन्फिडेंटली सुनिए कि अगर, वैसे तो इन्होंने पहले एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, आपको उसके मुंह से ही सुना देता हूं मैं, कि इन केस अगर कोई मुसलमान दे तब भी नहीं, कोई नॉन मुस्लिम अपना पैसा लगाए तब भी मंदिर नहीं बन सकता, वो इच्छा रखता हो तब भी नहीं बन सकता, किसी भी केस में
इस्लामिक लैंड में जहाँ पे मुसलमान शासन कर रहा है वहाँ पे नॉन मुस्लिम का कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप बन ही नहीं सकता. इवन इफ अ नॉन मुस्लिम लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री बिक्विथ्स दैट लेट माय वेल्थ बी यूज्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ टेंपल और अ बिल्डिंग ऑफ अ चर्च इट शुड नॉट बी फॉलोड एंड दिस इज यूनैनिमस अमंगस्ट ऑल द फुकहास. Even you cannot use the non-Muslim's money to build a temple in a Muslim land. So where is the question of using Muslim money or taxpayers' money? कौन है ये लोग? आतंकवादी के पिल्ले हैं। तो आप भविष्य में ये मान के चलिए कि भारत देश में कभी भी कोई भी मुसलमान प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनता है, चाहे वो जिस पार्टी से हो, चाहे वो जिस पार्टी से हो, चाहे उस जितनी बातें हो, अगर वो कभी इन्फ्लुएंस हो गया अपने किताब से तो भारत में लोगों का जीना हराम कर देगा. इसलिए आप अभी से तैयार रहिएगा. और हमारे यहाँ इसके लिए सख्त लॉज भी बनने चाहिए क्योंकि हम भाई सेकुलर कंट्री हैं. और मैं आपको एक आइडिया भी देना चाहता हूँ, वैसे अगर किसी को ना भी पता हो तो आइडिया मेरा ये है कि जैसे हम हर रिलीजन को जीने देते हैं, प्रैक्टिस करने देते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी बातें बोलते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, तो इस्लाम से कुरान से ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि जैसे वो कहते हैं कि जहाँ पे शासन मुसलमान का है वहाँ पे मुस्लिम स्टेट बन गया और वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स अपना प्लेस ऑफ वर्शिप तो बना ही नहीं सकते. और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने ये किया कि हमने अपनी ही ज़मीन पे अपने ही भगवान राम के पैदाइश की जगह को लड़ के लिया, वो भी कई सौ सालों में, समझा ना, तो तोड़ा गया 400-500 साल पहले, लड़ाई हुई 100 साल की, तब हमें मिला है वो भी बाकायदा कोर्ट से, जजेस 90% हिंदू, ठीक, पॉपुलेशन 82% हिंदू, और हमने हर तरह से लड़के लिया, उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम है, इतना चैन नहीं बढ़ा, उनको प्रॉब्लम है, रोज का रोना शुरू रहता है और हम हर बातें सफाई देते रहते हैं. मैं वही समझ रहा हूँ कि सेकुलरिज्म के चक्कर में हमें कौन सा दिन देखना बाकी रह जाएगा, आप ये मुझे कमेंट में बताइए. ये सब पूरा इस्लाम है जो पूरी इतनी ज्यादतियाँ करता है और माहौल इतना प्रोपोगेट किया जाता है कि ये तो पीस लविंग है, ये तो एक्सेप्टेंस की बेसिस से बना है इस्लाम. और हमारे बॉलीवुड ने पूरा अच्छे से इसमें कुछ नहीं बाकी रखा है. एक वो मूवी थी जिसमें नाना पाटेकर ने एक्टिंग की थी, जिसमें कसाब को पकड़ के मारा गया था, 26/11 पे जो मूवी बनी थी, तो उसको पकड़ के मारा गया और नाना पाटेकर ने अच्छे से जिहाद समझाया क्या होता है, इस्लाम समझाया क्या होता है, कुरान समझाया क्या होता है, बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया, रोमेंटिसाइज किया. लेकिन उसका असली चेहरा, असली वो चेहरा, डेविलिश चेहरा कोई नहीं बताता, कोई खुल के नहीं बताएगा. खैर, आज आपने बहुत अच्छे से जान लिया कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, इज रिलीजन ऑफ पीस. नो गॉड प्लीज नो नो नो. और आपको लगता होगा कि मैं जाकिर नायक जैसे ऐसे व्यक्ति की बातों को कोट करके उसकी क्रेडिबिलिटी पे जाके मैं बोल रहा हूँ, तो नहीं, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे नहीं जा रहा हूँ. लेकिन भारत में आज की डेट में मैक्सिमम मुसलमान उसके बातों को सुनते हैं, उसके कहे पे चलते हैं. और कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों ने, क्या बोलूँ, लोग क्या बोलूँ, पहले वो लोग ही थे, उन्होंने उसकी वीडियो देखी, इंस्पायर हुए, फिर वो जिहादी बने और आतंकवादी बने. तो लोग इस तरीके से भी इंस्पायर होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जाकिर नायक की कुछ तो क्रेडिबिलिटी है. और अगला इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि दिस इज़ इस्लाम और ये सब बिल्कुल जायज़ है. अगर किसी इस्लामिक कंट्री में अगर हो भी रहा है कि लैंड दिया जा रहा है मंदिर के लिए, तो ये उनकी गलती है, वो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए, समझ रहे हैं. तो ये है आपके एक्सेप्टेंस की बुनियाद बना हुआ इस्लाम पीस पे. खैर, आज की वीडियो इतनी ही. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. मुझे नहीं पता कि मेरी बातों को लोग कैसे लेंगे, बस आप लोग कमेंट में ये बता दीजिए कि जाकिर नायक ने जो भी चीज़ें कोट की वो कुरान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उसको कोई नहीं मानता है, वो सिर्फ नफ़रत फैला रहा है. और अगर वो नफ़रत फैला भी रहा है तो क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? अगर वो सच बोल रहा है और इसलिए नफ़रत फैल रही है, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता, खराबी बुनियाद में ही है. सच सुन के किसी को नफरत होनी नहीं चाहिए, वो तो सच सुन के तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यही तो चीज़ है, आप हैं वैसे, ठीक. और अगर वो झूठ बोल रहा है, आयतें गलत कोट कर रहा है, तो आप देखिए कि आपका कितना बड़ा ग्रुप है और उसके खिलाफ कितना बड़ा एक्शन आप ले सकते हैं. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम. तो भाइयों, शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो.